हाँ बस ज़फ़र मिराज और काशिफ़ निसार का शुक्रिया ही कर सकते हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ दी हमें जो यादगार है, और यानी कि ऐसे ही काम देते रहे, क्योंकि ये चीज़ें जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हम खुश होते हैं कि ऐसा काम होता है पाकिस्तान में और दुनिया देखती है, यानी कि हमारा जो ये ड्रामा ये पूरा दुनिया देख रहा होता है ना, हम तो सिर्फ नहीं देख रहे होते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी टू द वर्ल्ड एंड ऑल्सो विथ सच डीप मीनिंग। इसका मायना देखें आप, हमने हलाला से शुरू करके कहाँ तक, कहाँ से शुरू कहाँ ले आए, और वो लास्ट एपिसोड में क्लियर भी हुआ है कि वो जो पहले जो हलाला का वो कॉन्सेप्ट शब्बीर का था वो गलत है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू, कि आप अगर सोचे ना कि कहाँ से हमने, बिकॉज डिबेट हुई है, ऑडियंस ने भी लिखा हमारे कॉमेंट्स में कि ये गलत काम है, तो एंड में आके वो मौलवी साहब ने सारा क्लियर कर दिया एंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट गॉट क्लैरिफाइड व्हिच इज़ वंडरफुल, बिकॉज पूरा उसकी जर्नी, पूरी जर्नी केम टू अ फिनाले, नो प्रॉपर फिनाले। एंड उसके अलावा आई थिंक कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे सर्ट ऑफ तरीके से सर्ट ऑफ राउंड अप हो चुके, कहानी भी, एंड ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट गौहर ऑल द टाइम। गौहर तो जब आता है स्क्रीन पे तो आप, यू कांट लुक अवे, यू जस्ट गेट सो मेजमराइज बाय हिज परफॉर्मेंस, हिज एक्सप्रेशन। एंड काशिफ ना गौहर को जो उनकी जो फिल्मिंग करते हैं ना, वो भी एंगल्स ले पकड़ते हैं। आई वॉज नोटिंग ना कि वॉट इज़ इट अबाउट गौहर, तो काशिफ ऑलवेज शूट्स गौहर एट सच इंटरेस्टिंग अनयूजल एंगल्स, थोड़ा सा टॉप, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा प्रोफाइल, कि वो और इंटेंसिफाई हो जाते हैं उनकी एक्सप्रेशन, यू नो, सो इट गिव्स द कैरेक्टर अ लॉट मोर डेप्थ आल्सो। फैंटास्टिक, लवली आसमा बासु, फैंटास्टिक, ऑफ कोर्स सबीना एंड बिलाल वर टेरिफिक एज ऑलवेज, एंड टीपू लाइक यू नो अदनान, सुपर सुपर। तो जिन्होंने मौलवी साहब का रोल किया है, सारे बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इवन जो हमारे जो पुलिस वाले थे, एवरीबॉडी, और जो पॉलिटिशियन थे, चौधरी जुबैर, उस्मान, उनका नाम उस्मान चौधरी, ने स्पेशल कहा था कि प्लीज मेरा नाम जरूर लीजिएगा, मेरे कैरेक्टर्स का नाम ले लेता, मेरा नाम नहीं लेता, नहीं, आपने बहुत जबरदस्त काम किया। मैं एक्चुअली, ही इज वन ऑफ द ब्रदर्स ना इन जरपत्तों का बंद। मुनज़ा आरिफ इज एन आई ऑन द सेट टुगेदर दीज डेज ना, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने काशिफ निसार से कभी काम नहीं किया, तो मैंने मुनज़ा से पूछा, काशिफ के साथ काम करना कैसा लगता है, कैसे हैं वो, डायरेक्शन बहुत देते हैं क्या है, क्योंकि आप यू थिंक कि हाउ डज ही गेट सच गुड परफॉर्मेंसेज आउट ऑफ पीपल, राइट, इवन विद सपोर्ट कैरेक्टर्स। कहते हैं वो कुछ नहीं कहते, कहते आपका जो दिल चाहे आप करें, वो कहते इतने रिलैक्स डायरेक्टर हैं, जो कहते जो दिल चाहे आप करें, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मशवरा लेंगे देंगे, और फिर आपको आज़ाद छोड़ देते हैं, वो फिर जो एक्टर करना चाहे वो करते हैं, वो कैप्चर करते हैं। जो भी आप कर रहे हैं एक जादू ही है, बिकॉज एक्टर्स जो काम यहाँ करते हैं वो कहीं और करते नहीं है, या तो मुझे लगता है कास्टिंग सही करते हैं, वो कास्टिंग सही करते हैं, या उनके जहन में, एक्टर्स के जहन में आते हैं, हम काशिफ निसार के साथ काम करें तो हमने अपना बेस्ट दे दिया है, हो सकता है, हो सकता है, और स्टोरी इतनी प्यारी ना, देखिए शूट इतना अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाता है। नहीं, अब अगर आप इकतदार के सेट पे जाएंगे, आप कौन सा एक्टर सोच के जाएगा कि मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, वो नहीं देखा, जब स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा, जब स्क्रिप्ट अच्छा होगा, काशिफ सर के पास अच्छा स्क्रिप्ट होगा, वो कहते हैं ये करेक्टर मुझे मिला, हर चीज अपनी जगह पे बैठ जाती, पूरी जान मारनी है, तो फिर एक्टर का अंदर से, सो आई थिंक फैंटास्टिक। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। मैंने जब वो एक सीन देखा, जब गौहर आसमा बास को कहते हैं कि तू फैसला कर, माँ के पास जाते, मेरी कब्र बनानी है, हाँ, तो यू नो मुझे याद आ गया कि बचपन में मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती थी कि एक कैदी है और वो उसको फांसी वो चढ़ने लगा है, तो उससे पूछा जाता है कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहते हैं मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, तो कहते हैं हाँ ठीक है, इट्स अ गुड, माँ से मिला देते हैं। तो जब माँ मिलने आती है तो वो कैदी माँ के करीब जाता है और उसके कान में कुछ कहने के बजाय कान काट देता है माँ का दांतों से, और कहता है कि बचपन में जब मैं चोरी करता था और तुझे पता चलता था तो तू मुझे कभी रोकती नहीं थी, आज मैं फांसी चढ़ रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे बचपन में कभी नहीं रोका। तो द सीन दैट आई सॉ बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स रिमाइंडेड मी ऑफ द रोल अ मदर प्लेज इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। हमने चले वो बाकी तो सारे देख लिए, लेकिन जो माँ जो तरबियत देती है अपने बच्चों को छोटी उम्र पर, मुझे वो याद आ गया। माई ग्रैंड मदर यूज़ टू टेल मी दिस, आई यूज़ टू बी फैसिनेटेड, हाउ कैन समबडी कट बाइट द मदर्स ईयर ऑफ, एक्चुअली योर मदर इज़ योर फर्स्ट टीचर ना।
तो वो आसमा एंड गौर ने वो सीन्स किए हैं जो काम किया है, वो पार्टनर्स इन क्राइम है इक्वल, सच में शुरू से. और वो फिर वो जो कहती है और गलत नहीं, एंड देन शी गोज इनटू, वो गलत काम करती है माँ और वो भी पकड़े जाते हैं और वो फिर वो सामान डाल रहे हैं कि अब मॉब आएगा हमारे लिए, तो शी गेट्स हिम इनटू मोर ट्रबल ना, गलत काम करके शुरू से ही गलत काम करवा रही है माँ इस कैरेक्टर को. Although it played it very well because you think she's a little sympathetic towards her. Yeah, but she wasn't. She's not. She's very evil actually. She actually is. तो एक तो ये था, दूसरा ये कि वो इतने खूबसूरत moments थे. The way the mob stops at the end, मौलवी साहब की आवाज़ पे जब mob रुक जाता है, वो अजान से जब पता चलता है उनको कि वो आ गए हैं, ऐसे moments create किए काशिफ ने कि I feel that it's just so divine actually, and the way he has used every character and every concept so well. Without actually, यानी कि किसी को वो उन्होंने ना किसी को खफा नहीं किया. ये वो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ लोग खफा हो जाते हैं यार कि आप क्या कर रहे हैं, आप मज़हब से खेल रहे हैं, आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मौलवी साहब से. ये राइटर और डायरेक्टर ने इतने खूबसूरती से ये कहानी सुनाई है और इसकी कंक्लूजन सुनाई है हमें, जहाँ हम कहते हैं हाँ यार ये बाकी ये सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए, हम खफा नहीं हो रहे, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट यू नो आई थिंक. सो 10 फॉर बोथ ऑफ अस, समथिंग इक्वली गुड और बेटर. मेरा मतलब अब सबीना ने अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर दी या करियर चॉइसेस, बिकॉज देखिए ना आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है कि अब इससे नीचे आ नहीं सकती वो, यू नो. और हम शायद यहाँ पब्लिक को कहना ज़रूरी है कि एक्टर की ज़िंदगी में ना दो या तीन या चार चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं और हिट होती हैं, हर चीज़ हिट और अच्छी नहीं हो सकती, और हर चीज़ सिर्फ काशिफ निसार नहीं कर सकते. तो हम एक्टर्स जो है ना, हम हमारे बहुत सारे जो हमारा जो आउटपुट होता है, हमारा जो काम होता है ना, वो बहुत रिलाय करता है गुड राइटिंग गुड डायरेक्शन पे. तो सबीना हमें आगे जाके बहुत अच्छे काम देंगी अगर उनको सही टीम मिले, बट कभी ये होगा कि उनको वो टीम नहीं मिलेगी और उनका काम इतना शायद ना अच्छा लगे आप लोगों को, तो उनको माफ़ कर दीजिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर, यू नो, इट्स अबाउट द होल पैकेज. And I think because she has so much potential. And she's raised the bar so high for herself, and Kashif has raised the bar for her so high. कि अब कहाँ जाएगी मुझे समझ में नहीं आ रही. She's done a fantastic job and the scenes were wonderful. And वो जो मेरा गौहर के साथ जो सीन थे, बिलाल के साथ तो थे ही थे, आसमा अब्बास के साथ भी थे, लेकिन जो गौहर के साथ जो सीन थे, बिकॉज गौहर की एक एनर्जी इतनी थी कि सबीना की इतनी इनक्रेडिबल एनर्जी निकली उन सीन्स में, जस्ट फैंटेस्टिक. 10 ऑडियंस की बात करते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,500 हुए हैं. So I still have to give गौहर रशीद. क्या बात है यार. आई वॉन्ट टू वर्क विद गौहर रशीद, आई रियली डू, बिकॉज मैंने कहीं एक डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू पढ़ा है जहाँ पे वो कहते हैं कि गौहर एक बहुत ही ख़तरनाक और इंटेलिजेंट एक्टर हैं और बहुत यानी कि इंटेलिजेंट सवाल पूछता है अपने कैरेक्टर के बारे में और पूरी कहानी के बारे में, और आपको उसके पास जवाब होने चाहिए, और वो फिर बिल्कुल बैठ के घुस जाता है अपने किरदार में, वरना ये करता नहीं है काम. तो आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद गौहर, बिकॉज इट बी सो एक्साइटिंग टू वर्क विद समवन विद हिज काइंड ऑफ कमिटमेंट, कि वो फिर बाकी जो एक्टर्स होते हैं ना वो भी बहुत वो उनमें एक जज्बा जाग जाता है दोबारा, यू नो. तो गौहर आई थिंक यू जस्ट फैंटास्टिक एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वर्क यू आर डूइंग एंड यू आर वे बियॉन्ड अ 10 एनी टाइम. तो जब मैं ये बातें करती हूँ तो मुझे है ट्रोलिंग करते हो मेरी क्या चीज़. जब मैं ये बातें करती हूँ तो मुझे तो ट्रोलिंग करते हो आप लोग मेरी. अच्छा really? यही हाँ ये देखो फैन है, ये देखो ये तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट ही है. मैं तो फिर भी हिंट देती हूँ, अतिका जी ने तो डायरेक्ट जो है ना ऑफर दे दी, ऑफर दे दी डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रपोजल चला गया. देखो जरा यहाँ तो मैं तो हिंट दे रही होती हूँ हीरोज को, डायरेक्टर्स को. ऐसा हिंट आप तो नादिया तो शर्माना ब्लश करना शुरू हो जाती है. तो ठीक है ना, कम से कम डायरेक्ट तो नहीं बोल देती अतिका जी ने तो कह दिया मैं डायरेक्ट. देखो मैं डायरेक्ट, उनको कोई नहीं छेड़ा, मेरे पीछे पड़ जाते हो तुम. हम सब थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं सबीना फारूक की एंट्री.